आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप हमारी वीडियो से चैनल को ज्यादा लाइक शेयर हो सब्सक्राइब कर चलते हैं लोग सब वीडियो वीडियो का टाइटल है दीविक ने खालिस्तान सपोर्टर को दिया करारा जवाब। आज तक ये पार्ट टू है वो दीविक और अमारा की हो रही थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगी। देखते हैं पहले वीडियो इसका पार्ट टू है लोग इस पर क्या बोलते हैं फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका पार्ट वन वीडियो मैं कर चुका हूं। वो टाइटल देख के मैं जरा वो हो गया था कि भाई फाइट हो गई है दिविक कुमार और अमारा इफ्तिखार के बीच, लेकिन उस वाले वीडियो में फाइट कम हुई थी, बातचीत हुई थी। तो शायद ये पार्ट टू वीडियो में थोड़ी सी बहस हो गई है, ऐसा मेरे दर्शकों का कहना है कि उन्होंने कहा कि जी पार्ट टू देखिए आपको असली चीज़ उसमें है। तो चलिए देखते हैं कि भाई पार्ट टू में जो है वो क्या वाकई क्या हो गया ऐसा भाई कि दिविक भाई और अमारा इफ्तिखार में जो है वो लड़ाई की नौबत आ गई या थोड़ी बहस हो गई। चलिए देखते हैं। अच्छा मैं आपकी पुरानी बात पे मैं दूसरे दो तीन चीजों में क्लियर करना चाहूंगा। आपने जो कहा था ना बातचीत करने का, उसका आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दो चीजें होती हैं, एजुकेट करने का कहा है मैंने अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज बनाकर आप दो किस्म की देखें, उसमें भी दो किस्म की एजुकेशन आती होती है। मैं आपको समझाता हूँ। देखें एक होते हैं टेररिस्ट, एक होते हैं इंसर्जेंट। टेररिस्ट वो होते हैं जो हकूक के लिए लड़ते हैं, वो आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं और वो बच्चा औरत बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ते। इंसर्जेंट वो होते हैं जो जमीन अपनी जमीन के अपने ही लोग होते हैं, वो हकूक के लिए लड़ते हैं और वो एक सर्टेन अथॉरिटीज पे अटैक करते हैं, वो अवाम पे पब्लिक पे अटैक नहीं करते। तो खालिस्तानी जो हैं वो इंसर्जेंट से निकल के वो टेररिस्ट बन चुके हैं। इंडिया में अगर आप देखें, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने इंसर्जेंसी सक्सेसफुली कंप्लीट की, एक नहीं पता नहीं कितनी इंसर्जेंसी को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। टेररिस्ट बन चुके हैं अब ये तो मुझे नहीं पता, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे मासूम बच्चों को भी औरतों को जब मार रहे हैं जो सिविलियन है तो वो टेररिस्ट हो गए और वो अब्रॉड से ऑपरेट कर रहे हैं तो दे आर टेररिस्ट। ये मिलिट्री कोड वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ जो दुनिया में डेफिनेशन है इंसर्जेंट को और उसको जो अलग अलग करते हैं। अब मैं मुझे इंडिया कोई इवेंट बताएंगे जो खालिस्तान के नाम पर अब किसी को, जैसे 80s में तो हम मानते हैं भी कभी आपको आप बम फेंक रहे हैं और कभी आप प्लेन तो वही तो कंटिन्यूशन है। आप मुझे बताइए हमारा जी वही तो कंटिन्यूशन है। आपको रिफंड चाहिए मैं अभी बता देता हूँ। ये कल मारा है इन्होंने, बड़ा ताजा ताजा इंसान एक मार दिया है इन लोगों ने। रुपया हाँ पंजाब में कांग्रेस लीडर है बलजिंदर सिंह। अगेन वही ना, आप इसमें तो फिर वही आगे ना कि ये टेररिस्ट नहीं है ये तो उठाकर अगर आप इस तरह के वो तो फिर दूसरे में आ जाता है ना। ऑपरेट कहाँ से कर रहे हैं हमारा मासूम? हाँ ऑपरेट कहाँ से कर रहे हैं? कैनेडा। अच्छा ये हम कह सकते हैं ना। और एक बात सुने, उसामा बिन लादिन जब मर गया तो अगले 8-9 साल अलकायदा के भी कोई बड़े हमले नहीं हुए थे दुनिया में। तो खालिस्तान ने 80 में किया और 10-15 साल कोई बड़े हमले नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खालिस्तान साफ सुथरे हो गए और मिलिटेंट से टेररिस्ट हो गए। 40 साल होने वाले खालिस्तान 1991 तक है तो 30-32 साल तो आप पकड़ लें, 32 साल हो गए बहुत लंबा अरसा है। आइडियोलॉजी तो सेम है ना, अमृतपाल ने लोग मेरा मानना ऐसे सिविलियन मानती हूँ कि जो पंजाबी हैं ये जो सिख हैं आप इसको ऑनलाइन देखते हैं, मैं उनको मैं एक्टिव या खालिस्तान का आइडियोलॉजी जो है आप आवाम में आप नहीं देखते। अच्छा मैं उनको सिख नहीं बोलता, मैं उनको खालिस्तानी बोलता हूँ क्योंकि सिख मजहब क्यों बनाता? हिंदुओं को बचाने के लिए, किससे? इन्वेडर से। मैं इज्जत गुरु ग्रंथ साहिब को अगर आप पढ़ेंगे, मेरे घर पर गुरु ग्रंथ साहिब भी है और गुरु गोविंद की हम लोग खुद पूजा करते हैं, ठीक है। और मुझे खुशी होती है कि हमारे पास कोई सख्त सिख बहन या भाई होता जो अपने आप को हमें बेहतर चीजें जो अपने साइड का जो सच है वो दिखा पाता या कर पाता। हम तो अपने तौर पे अपनी रिसर्च या जो हमारे थोड़ी बहुत हमें समझ है हम उसके हिसाब से बात करें। तो मैडम आपको रिसर्च करनी चाहिए थी ना, सिख धर्म के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। आप बिना रिसर्च के आगे बात कर रहे हैं। जो दिविक भाई ने बोला आप जाकर उसको पढ़िए, और दिविक भाई ने तो क्लियरली ये नहीं बोला क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में रहना है, इस्लामिक इन्वेडर से बचने के लिए सिख धर्म बनाया गया था, मुसलमान आक्रमणकारियों हमलावरों से बचने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए सिख धर्म बनाया गया था। और आज भी
आज भी कई गुरुद्वारों में, अभी जन्माष्टमी बीती है, अभी अभी जन्माष्टमी बीती है, और वहां पर कृष्ण की पूजा होती है और कृष्ण के गीत गाए जाते हैं। सुनिए। हो कृष्णा तेरी मुरली ते पलकानी नचदानी नचदा, कृष्णा तेरी मुरली ते पलकानी नचदा, धरती चन्न सितारे नचदे सारे भगत प्यारे नचदे, राधा नची मीरा नची सारा आलम जचदा, कृष्णा तेरी मुरली ते पलकानी नचदा, कृष्णा तेरी मुरली ते पलकानी नचदा। तो ये बताइए कि अगर हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता सिख धर्म का, तो कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती और कृष्ण के गीत क्यों गाए जाते गुरुद्वारे के भीतर? आप समझ रही हैं, सबसे सीक्रेट प्लेस है गुरुद्वारा। और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने होता है ये सब। हमारे लिए भी गुरु ग्रंथ साहिब बिल्कुल उतना ही पूजनीय है जितने पूजनीय हमारे लिए गीता है, जितनी पूजनीय हमारे लिए रामायण है, जितनी पूजनीय हमारे लिए देवी देवता हैं, उतने ही पूजनीय हैं। हम भी अलग नहीं मानते, कुछ विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब किसी सिख भाई को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कहूंगा नहीं नहीं वो सिख है, मैं उसके उसके लिए नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, उसकी पग बचाने के लिए मैं भी आगे आऊंगा। तो आप इसको अलग मत कीजिए, और अगर ज्यादा है तो आप गुरु ग्रंथ साहिब जाके पढ़ लीजिए, आपको उसमें हजारों सैकड़ों ऐसे मिलेंगे रेफरेंस जिससे आपको पता चल जाएगा। द फर्स्ट वर्ड इन गुरु ग्रंथ साहब इट इज एक ओंकार। सो ओंकार, यू नो व्हाट ओम इज एंड वी ऑल नो व्हाट एक ओंकार इज एंड हाउ गुरु नानक साहब हैज गिफ्टेड दिस वर्ल्ड एक ओंकार। सो देर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन सिखिज्म एंड द सनातन धर्म। द वर्ड राम पर से हैज बीन used in the Sri Guru Granth Sahib about 2533 times, and the word Hari is used in Guru Granth Sahib about 8337 times, I believe, or 27 times. So, I mean, that is the kind of context we have in Guru Granth Sahib. In the Guru Granth Sahib, the which word Ram has been referred to, as many times, and Hari also, and Waheguru, jira. We actually associate, all six associate with Satnam and Vaheguru. Vaheguru word has been used only 17 times in Guru Granth Sahib. So, I mean, that is the thing that one needs to understand. When people try and disassociate Sikhs from Hindus or, so Sikhism from Sanatan, it is very painful. खैर, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। रिसर्च करके आना चाहिए। मुझे ज्यादा खुशी होती है, और मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं किसी भी सिख बहन या भाई के साथ लाजमी बात करूं इस मुद्दे पर। जरूर उसमें बकायदा हम दिविक भाई को भी इनवाइट करेंगे। अली, सिर्फ एक आखिरी चीज मैं ऐड करूंगा, जो इंसर्जेंस की मैं बात कर रहा था ना, इंसर्जेंस को रिहैब कराया जाता है, और अभी रिसेंट एक एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी थी वो 85% कम्प्लीट हो गई, खत्म कर दी गई। तो 8,500 जो इंसर्जेंट्स थे उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया, उनको पैसे, जो भी स्किल्स थी, पैसे वगैरह। अगर आपने अभी देखा, मियां चन्नू मेरे ख्याल से नाम है, जो अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल भी जीत के आई थी, तो चीफ ऑफ बेसिकली इंसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट में, वो स्टेट से लड़ती थी राइट्स के लिए, उनको रिहैब में वापस लेके आया गया, रिहैबिलिटेट किया गया, उनको फिर ट्रेनिंग दी गई, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए फिर कॉमनवेल्थ में ऐसे 8,500 लोगों को लाया गया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड मिलिटेंट। मिलिटेंट बोलना है या इंसर्जेंट बोलना है, इंसर्जेंट अपने होते हैं, वो हमारे खुद के लोग हैं, उनसे आप बातचीत करें, उनके मसले हल करें, उनके हकूक आप दें, उनको आप मेन स्ट्रीम करें। थ्योरी बता चुके हैं, वही टेररिस्ट बनते हैं आपकी थ्योरी के हिसाब से? नहीं, मेरी थ्योरी के हिसाब से नहीं बने। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आम लोगों को नहीं मारा जाता था। आप इंडिया में एक तो मसले भी बने, इंडिया में अच्छा, आप नक्सलवाद को भी कंपेयर नहीं करें, नक्सलवाद अलग चीज है। नक्सल इज अनदर थिंग, इंसर्जेंट इज अनदर थिंग। आप सब सिखों को क्यों खालिस्तानी कहते हैं, एक मेरा सिर्फ सवाल है। मैं खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहता हूँ, मैं सिखों को सिखों कहता हूँ, मैं खालिस्तानियों को सिखों नहीं कहता।
हमारा जी, आपने ढंग से रिसर्च नहीं की, या फिर आप एजेंडे के साथ आई हैं, या मन में आपने एक एजेंडा ड्रॉ कर रखा है, आप उसी के ऊपर चलना चाहती हैं, दाएं बाएं नहीं जाना चाहती। सिखों को खालिस्तानी क्यों बोलेंगे भला, ये बताइए। अच्छा, सारे मुसलमानों को टेररिस्ट बोला जाए, सारे मुसलमानों को टेररिस्ट बोला जाए, नहीं बोला जा सकता ना, नहीं बोला जा सकता ना सारे मुसलमानों को टेररिस्ट। 1000 से ज्यादा इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उनकी वजह से सारे मुसलमानों को टेररिस्ट मान लिया जाए? नहीं माना जा सकता ना। तो आप खालिस्तानियों की वजह से सिखों को क्या, उसमें खालिस्तानी अलग हैं, सिख अलग हैं। बहुत भोली बन रही हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरा सवाल था कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर इतनी ईमानदार है और इतनी खत्म ही हो जाए, एक मिनट, इतनी ईमानदार और इतनी सच्चे सिख है ना, मुझे गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ मुझे दो पंक्तियां वो सुना दें, या लाहौर क्यों नहीं है, करतारपुर क्यों नहीं है? मुझे, मैं फिर कंफ्यूज हूँ, आप सब सिखों की बात कर रहे हैं या आप? मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। जो लोग खालिस्तान के आइडिया को सपोर्ट करते हैं, आइडियोलॉजी को, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे वो कनाडा में, आप उनकी बात, आपको पहले सिखिज्म समझना पड़ेगा। खालिस्तान का क्या है? हिंदुओं को मारो, ठीक है, उनसे आजादी लो। सिखिज्म बनाई इसीलिए था कि हिंदुओं की प्रोटेक्शन करनी है। गुरु ग्रंथ साहिब में अगर आप एक वो सनातन के जिक्र के सिखिज्म जो है हिंदुइज्म से निकला हुआ, वो मैं सब जानती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो सारे खालिस्तानी है वो तो आप मानते हैं कि सिख ही है, तो वो सिखिज्म से ही है ना। वो अपने आप को चाहे कुछ भी कहते रहे, वो सिखों के धर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे ना, और सिख मानते हैं उनको। चलो मेरा तो छोड़ो, मैं तो फिर भी हिंदू, सिख मानते हैं उनको, खालिस्तानियों को सिख, ये है सबसे बड़ा। मैं बात कर रही हूँ ना देविक साहब के, ये जो अवाम है ना, अवाम कहीं ना कहीं मिसगाइड जरूर कर दिया जाता है, लेकिन अवाम हमेशा लड़ाई से जंग से दूर रहती है। अवाम को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अवाम को अमन चाहिए, मेरे ख्याल में। मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो 80s में ऐसा ही था, आवाम को मिसगाइड किया गया और नौजवानों को भटकाया गया। नौजवान आसान होते हैं ईंधन बनना, नौजवानों को। 2023 में मुझे इंडिया के अंदर एक भी खालिस्तानी सपोर्टर दिखा दें आप। अच्छा, मुमकिन है कि ये खालिस्तान की जो कैंपेन है ये खत्म ही हो जाए, ये इशू ही खत्म हो जाए। अली, एक चीज नहीं, खालिस्तान की कैंपेन खत्म हो जाएगी, कुछ साल लगेंगे। मेरे एक आखिरी चीज और, सिद्धू मूसे वाले की जो सेलिब्रिटी की आपने बात की, उसे वो बेसिकली इनसे पहले भी नहीं, तो सेलिब्रिटीज बेसिकली सम सेलिब्रिटीज जो पंजाबी इंडस्ट्री से आते हैं, जो पंजाबी म्यूजिक या फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही थी, उनसे पहले भी एक दो स्लैब्स के साथ हो चुका था, रोड एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई, वो भी खालिस्तान के लिए बात करते थे। वो बात भले करते हो, लेकिन उनकी हिस्ट्री आप देखिएगा, वो पहले गैंगस्टर थे और फिर वो म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, और उनको कभी सजाएं नहीं, ये भी नहीं। एक रब्ता तो था, एक बात कहने को ही सही, लेकिन एक आइडिया को सपोर्ट करना। अच्छा दिविक भाई, एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है, दिविक भाई एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपसे। हमारा मैडम अक्सर जिक्र कर रही है कि जो भी खालिस्तान की कैंपेन का हिस्सा होता है या उसको प्रमोट कर रहा होता है, वो चाहे हिंदुस्तान में हो या कहीं पे भी हो, वो मार क्यों दिया जाता है? कौन मारता है उसको? उसकी आवाज क्यों दबा दी जाती है? खत्म क्यों कर दिया जाता है उसको? अजीत डोभाल का 2015 में एक वीडियो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप जाके देख लें। इफ एनीबॉडी ट्राई टू टेक अ वेपन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। इफ यू नो हाउ टू प्ले द गेम, वी नो हाउ टू प्ले इट बेटर। पूरी दो लाइनों में अजीत डोभाल का कर्क्स है, आप देख लें, निकाल लें। I don't support it. Same goes with my country, my state. If Balochistan, they are asking for their rights and all, ये बहुत critical है। Balochistanis are insurgents. You cannot compare insurgents to terrorists. Exactly. You cannot compare insurgents to terrorists. मैं उनको भी insurgents ही समझती हूँ। आप terrorists समझते हैं, मैं insurgents समझती हूँ। मैं नहीं, मैं खालिस्तानियों को भी। Okay, ideology। आप खालिस्तानियों को insurgents समझ रही हैं, जो मासूम छोटे बच्चों को मार रहे हैं, civilian को, औरतों को, जो रेप कर रहे हैं। ऐसे बहस बहुत लंबी होती है। वेल, कहीं ना कहीं जो स्टेट पॉलिसीज होती है ना, आप सपोर्ट कर सकती हैं सिविलियन को, लोगों को जो मारे हैं उसकी कुछ जान नहीं बचनी चाहिए। तो चलें, आपके लाहौर में कोई बम ब्लास्ट करे मॉल में, जहाँ पर सिविलियन लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, आपका दिल बोलेगा कि आप उनको उन्होंने कहां टेररिज्म किया, कहाँ नहीं किया, आप ये बताएं इंडिया के अंदर। पंजाब में क्या कुछ नहीं किया 80s में,
जवाब नहीं सर, बैक दर बैक जो है उनको मारा जा रहा है, जगह जगह पे मारा जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन आपने यूके में, मैं समझ गया आपका एजेंडा क्या है मैडम, मैं समझ गया आपका जवाब मैं देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े आतंकवादी हमले से। 1984 एयर इंडिया का कनिष्का विमान कनाडा जा रहा था या कनाडा से आ रहा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कनिष्का विमान था, उसको खालिस्तानियों ने बम से उड़ा दिया। 325 या 350 लोग, मासूम लोग मारे गए, निर्दोष मारे गए, बच्चे मारे गए। चलिए आप कहती हैं कि जी बहुत पुरानी बात होगी, इसी निज्जर का हाथ था उसमें, शायद लुधियाना में एक सिनेमा हॉल में ब्लास्ट किया गया, खालिस्तानियों ने किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसमें 6 लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए। ये टेररिस्ट का काम है, मासूमों को मारना टेररिस्ट का काम है, और वो टेररिस्ट हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, बीएलए वाले आम आदमी को तो नहीं मारते ना, वो आपकी आर्मी को अटैक करते हैं, वो आपकी जो फौज है, जवान है, दूसरी एजेंसीज हैं, उन पर अटैक करते हैं, उन्होंने कभी आम आदमी पर अटैक नहीं किया। वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही, लेकिन आपने तो खैर मन बना के रखा हुआ है कि मुझे तो समझना ही नहीं है, मुझे तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि फिर आपके एजेंडे से वो दाएं बाएं हो जाएगा ना। इसका मतलब आप तो फिर ओसामा बिन लादेन को भी सपोर्ट करती होंगी। मैं देखा एम्बेसी के अंदर वो घुसे, रिसेंट की बात कर रही हूं, आपने देखा यूके की एम्बेसी में वो घुसते हैं, कनाडा में आम लोगों को मारते हैं, इंडियन डायस्पोरा का रिएक्शन था सर, आप जानते हैं कि रिएक्शन था इंडिया के मारने से, इंडिया के रिएक्शन से पहले उन्होंने ये किया, उसके ऊपर इंडिया ने रिएक्शन किया, उनके उनका एक्शन था, उनका रिएक्शन नहीं था, रिएक्शन इंडिया से। अवतार सिंह की डेथ के ऊपर ये हुआ था आप जो बात कर रहे हैं, मेरे सामने उनका नजरिया नहीं है, frankly speaking, मेरे सामने कोई भी नजरिया नहीं है। ओसामा बिन लादेन का नजरिया भी आपके सामने नहीं होगा, आप डिफेंड करेंगे उसको? आप ह्यूमैनिटी की बात कर रही हैं, तो जो मासूम लोग मर रहे हैं क्या वो इंसान नहीं है? बच्चे मारे जा रहे हैं उनमें इंसान नहीं है? ह्यूमैनिटी की बात वहां पर नहीं आएगी। अच्छा, बीएलए वाले के जो बलोच लोग हैं उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके हजारों लोग अगवा हैं, पिछले कई इयर्स से, कई सालों से बेचारे फोटो ले लेके दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं बलोच लोग, उनके माएं, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनके बेटे मिसिंग पर्सन के नाम से, उनके लिए इंसानियत नहीं जाग रही है आपकी? नहीं, फिर हम उसमें फंस जाएंगे। आप खालिस्तानियों को मत माने टेररिस्ट, लेकिन हम टीटीपी वालों को टेररिस्ट मानते हैं, समझे? टीटीपी वाले टेररिस्ट हैं और बीएलए वाले इंसर्जेंट हैं, सिंधु देश वाले इंसर्जेंट हैं, क्योंकि टीटीपी वालों ने पिशावर में बच्चों को मारा, वो आम लोगों को भी बम लगा के मार देते हैं, इसलिए वो टेररिस्ट है। ने कोई भी अगर से एक बहन या भाई बैठा होता तो, और मैं उनकी गुफ्तगू सुनती या फिर उनको पर्सनली मैं चीजों को समझने की कोशिश करती, फिर मैं उनके लिए वो मैं जरूर वोकल होती और मैं बात करती, मैं कहीं भी किसी भी तरह पे शिद्दत पसंदी को कभी भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बैलेंस आइडिया। जी, आप टीटीपी को बख्शेंगी? सॉरी, आप टीटीपी? बिल्कुल नहीं भाई, टीटीपी दहशतगर्द जमात है, बख्शा जाना ही नहीं चाहिए। यही चीज है, अपने मुल्क के लिए अलग, अपने मुल्क के लिए कुछ और चाहिए, दूसरों के मुल्क के लिए कुछ और चाहिए, खालिस्तानियों को बख्शना चाहिए, टीटीपी को नहीं बख्शना चाहिए। टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। तो खालिस्तान क्या है? उसने लोग नहीं मारे, उसने क्या जानवर मारे? जी अली, मेरे ख्याल से बात जो है वो कहीं और निकल गई। मैडम फंस गई, जवाब दिया नहीं उन्होंने। टीटीपी वाले दहशतगर्द हैं, लेकिन खालिस्तान वालों के मैं साथ हूं, नहीं नहीं उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, वो टेररिस्ट नहीं है। भले ही वो प्लेन को बम लगा के उड़ा देते हैं, सिनेमा हॉल में विस्फोट कर देते हैं, लोगों को मारते हैं, लेकिन नहीं, वो टेररिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। निज्जर मारा गया, वो ट्रेनिंग कैंप चलाता था कैनेडा में, वो युवा सिखों को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था, भारत पर हमले के लिए प्लान करता था, उनको भेजा भी था भारत, पकड़ा गया था एक बंदा,
लेकिन वो टेररिस्ट नहीं है, ना 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 ना, ना। टीटीपी वाले दहशतगर्द। वाह मैडम, कीप इट अप। आप पॉलिटिक्स में जा सकती हैं पाकिस्तान की, मैं श्योर हूं, ट्राई करिए मैडम प्लीज। हमने एट द एंड आई थिंक हमें प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ सर इसी तरह से भाई आप सॉरी देविक कुमार मुझे भाई कहने की आदत है, तो कश्मीरी जो है उनको आप किस तरह से समझते हैं? मकबूजा ओ हिंदू है ना देविक, तो भाई कैसे कहें, काफिर को भाई कहेंगे। देविक कुमार आ गए, अली भाई हो जाएंगे लेकिन देविक भाई नहीं होंगे। कितनी आसानी से सॉफ्ट लैंग्वेज में, सॉफ्ट भाषा में, सॉफ्टली निकल गई, कह गया, लेकिन बात बड़ी है ये। कश्मीर की बात कर रही हूँ जो इंडिया के पास है उस कश्मीर, इंडिया की साइड पे जो है। अच्छा वहाँ की आवाम की बात कर रही है या जो वहाँ पर लोग लड़ रहे हैं उनकी बात कर रही है? सर आप मुझे, लड़ तो कोई भी इस वक्त नहीं रहा ना, आज सब तो नहीं, आवाम की बात करेंगे, मासूम है वो, जितने पैसे है ना इतना कोई नहीं पैसा, उन लोगों के जितने हकूक मारे गए उनकी जितनी जिंदगी सेम है, मेरे भी यही आइडिया है, ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग जी अली भाई। अच्छा मैं जो है ना लास्ट में यहाँ पे मैडम हमारा का पॉइंट भी बड़ा वैलिड है कि हमारी डिस्कशन के अंदर कोई अगर सिख कम्युनिटी का भी होता तो वो और बेहतर जो है वो हो सकती थी, और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर जरूर 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 एक दफा फिर हम मतलब हो, उसमें कोई सिख से भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, सिख कम्युनिटी से, ताकि ये कि हम उसके भी पॉइंट्स को जो है वो ऐड कर सकें अपनी डिस्कशन के अंदर। मैं खुद भी सुनना चाहती हूँ एक दफा, किसी भी ऐसे इंसान के साथ जिनके साथ बीत रही हो उनसे सुनना जो है वो और तरह से होता है। और मेरे जहन में देवी साहब बहुत सारी चीजें जो मैं बहुत एक्सट्रीमली जाकर मैं बहुत सख्त कह सकती हूँ, अब यकीन माने, लेकिन मैं नहीं, मैं खालिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं सिख बहन भाइयों की बात कर रही हूँ, मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि खालिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं कई सालों से अगर फॉलो कर रही हूँ तो मैंने कहीं कोई एक्सट्रीमिज्म उनका नहीं देखा, और अब मैं जब तक उनको सुन ना लूं मैं इसको इतना, मैंने तो अभी सिर्फ ये इनकी किलिंग ही देखी है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं खालिस्तान की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा सही है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अपने कीमती टाइम में से जो है वो टाइम निकाला। चलिए खत्म हो गया, मैडम ने कितनी भोली सूरत बना के कह डाला कि मैं इतने लंबे टाइम से फॉलो कर रही हूँ लेकिन कोई एक्सट्रीमिज्म दिखा नहीं आपको खालिस्तान का, आपके लिए तालियां मैडम, आपको खालिस्तान का एक्सट्रीमिज्म नहीं दिखा? खैर अब इस पर मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं इस पर, मैं इसमें आपको एक निज्जर के हवाले से मैं एक आपको सुना देता हूं, पेंटागन के एक फॉर्मर ऑफिशियल हैं माइकल समथिंग नाम, उनकी बात सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे थे जो मारा गया ना निज्जर उसके बारे में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि खालिस्तानियों को जो आप कह रही हैं कि एक्सट्रीमिज्म देखा नहीं है, अब इसके बाद भी आप नहीं मानेंगी तो कुछ कर नहीं सकते, सुनिए। लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स, Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber, any more than Osama bin Laden was a construction engineer. He had blood on his hands through multiple attacks. मुझे पता है कि आप अपने एजेंडे पर हैं, खैर कोई बात नहीं, आपको भी कहीं ना कहीं जवाब देना होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप खुल के तो बात स्वीकार करेंगे नहीं, पाकिस्तान ऐसा कैसे करेगा, क्योंकि ISI सपोर्ट करती है और ये हम सब जानते हैं। हरदीप सिंह निज्जर जब आया था पाकिस्तान, ननकाना साहब गया था, जिस टी शर्ट को पहन के ननकाना साहब ने दर्शन किए थे उसी टी शर्ट में उसकी एक तस्वीर है AK-47 के साथ, AK-47 है AK-56 है जो भी है, AK सीरीज की राइफल है उसके साथ, एक्सट्रीमिज्म नहीं है ये, बेचारा मासूम सा प्लम्बर AK-47 से जाके प्लम्बिंग का काम करता है, बड़ा मासूम। कुल जमा जो ओवरऑल बातचीत मैंने देखी तो देखिए दिविक भाई अपने पॉइंट पे थे और अमारा जी अपने एजेंडे पर थी, दिविक भाई रियलिटी की बात कर रहे थे, लॉजिकल बात कर रहे थे, अमारा जी कहीं कहीं लॉजिकल थी बाकी टाइम पे अपने एजेंडे पे बात कर रही थी। आप कमेंट में जरूर बताएं भाई आपका क्या कहना है, बाकी तो जो मैंने कहना था वो मैंने कह ही दिया, जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो भी खत्म,
वीडियो बड़ी मज़ेदार थी, ये बात काफ़ी बातें जानने को मिली। मतलब कि हमारा का पॉइंट ये था कि जो खालिस्तानी है वो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन जो था उसका नाम क्या है, दीपक कुमार, उसका ये पॉइंट था खालिस्तानी टेररिस्ट है, पहला पॉइंट। हमारा का ये पॉइंट था कि मतलब कि जो TTP वो टेररिस्ट है, और जो था क्या नाम दीपक, उसको वो कहता था कि वो एक फ्रीडम फाइटर। मतलब ये इस पर तो इस पर एक अलोक सा ने बहुत बड़ा बयान दिया। और मैं ये कहता हूँ खालिस्तान के जितने भी लोग उनको डूब के मार जाना बेगैरत है, वो सिख नहीं है, जिस तरह लोग कह रहे हैं वो कंजर है, वो दल्ले हैं, वो सिख है ही नहीं, जिस तरह लोग कह रहे हैं, जिस तरह वो क्या नाम है उसका कहता मेजर यार, यहाँ पे भी फिर मेजर लोग सर भी दो हाइब्रिड काम कर रहे हैं, समझ दोगली पुलिसी कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि जो बम ब्लास्ट करता है या टेररिज्म फैलाता है वो मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा हम भी बोलते हैं, हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये कहते हैं कि मुसलमान ही करते हैं। और अब बात आती जब सिख पर कि जो सिख हैं वो खालिस्तानी नहीं है, जो खालिस्तानी सिख हैं ही नहीं, मतलब अलोक मेजर, एक मिनट, अलोक मेजर, बल्कि पूरा इंडिया ये मानता है कि जो खालिस्तानी बेगैरत हैं वो सिख हैं ही नहीं, वो दल्ले के और से आ गए हैं, वो सिख की पियोंद ही नहीं है, वो सिख के बेटे ही नहीं है, ये आप उनको चुल्लू पर पानी में डूब के मार देना चाहिए, वो सिख नहीं है, वो किसी हराम की औलाद है। आप कुछ समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, कि वो किसी हराम की पैबंद है, किसी हराम के बच्चे हैं वो, इनके लोग की और मेजर की बात बातों के लिहाज से मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपना पॉइंट को तो एक साइड पर, लेकिन ये भी फिर दोगली पुलिस ही ना हो गई। हम जब कहें कि मुसलमान जो हमले करते हैं, जो टेरर फैलाते हैं, वो मारे, मतलब मुसलमान हो ही नहीं सकता, हम फिर उसके लिए नबी पासलम की हदीस से बताते हैं, जो एक इंसान का कत्ल करता है वो पूरी इंसानी का कातिल है, बेगुनाह कत्ल, बेगुनाह कत्ल, एक होता है गुनाहगार का कत्ल करना, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, टांग के बदले टांग, एक कत्ल के बदले एक कत्ल है, 10 नहीं है। जिस तरह हमने एक वीडियो में सुना था, जो क्या नाम है उनका CM योगी साहब, आदित्यनाथ साहब, वो क्लिप हमने सेव कर लिया, CM योगी साहब ने एक अपने जलसे में ये कहा था कि अगर मुसलमान हमारा एक मारेंगे तो हम उसका 10 मारेंगे, 10 हमने ऐसा, हमारा ऐसा कानून नहीं है, हमारा कानून तो ये है कि एक बदले एक, आंख बदले आंख, अगर आपने किसी ने आपकी बगैर किसी वजह के आंख फोड़ी है तो आप उसकी आंख फोड़ सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि माफ करने वाला सबसे बड़ा और सबसे बहादुर है, उसका अजर सबसे ज्यादा है, लेकिन बेगैरत है सिख, और सिख सॉरी खालिस्तानी, वो कंजर है, वो हराम के पिल्ले हैं, आलोक साहब के मुताबिक, मेजर साहब के मुताबिक, इंडिया के मुताबिक, एक तहरीक की बुनियाद पर। मेरे कोई पैगाम खालिस्तानी सुन रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, खालिस्तानी खैर क्या सुनेगा, वो सिख ही नहीं है, वो हराम को ला रहे हैं, अलोक के मुताबिक सर कह रहे हैं कि TTP जो जैसा आप हिंदुस्तान में बसने वाले सिखों को खालिस्तानी कहते हैं, दूसरे जो है ये अलोक सर खालिस्तानी कहते हैं, वो कहते हैं कि सिख है, ये सिख नहीं है, ये खालिस्तानी है, तो आप जो TTP है उनको फिर क्यों नहीं दहशतगर्द तंजीम मानते हैं? मानते हैं, वो मानते हैं, नहीं गलत बात है, TTP वालों को अलोक सब भी मानते हैं कि एक दहशतगर्द तंजीम है, हमारा नहीं मानते, हमारा को मानना चाहिए, हमारा तो मानती है, दीविक नहीं मानता, दीविक मानता है, लेकिन वो कहता है कि आप खालिस्तानियों को भी टेररिस्ट माने, नहीं तो खालिस्तानी कौन से वहां की फौज पे अटैक करते हैं, फिर अटैक बताया नहीं यार, 1985 यार, अलोक ने दिए ना हवाले जिसमें वो उन्होंने मारे हैं, और मैंने गन देखी है, ट्रेनिंग करते हुए देखा है इसको, क्या नाम है जो मारा गया था यार, जो पंजाबी लोग होते हैं ना, ये आपको रसिक भाई, ये TTP तो आए हैं, उनके पास देखते हैं, उनके पास बंदूकें तो आम सी होती हैं, कैसे तो ये कल्चर पे डिपेंड करती है, जो मूवी बनती हैं तो वैसे भी मतलब के भाई मैं भी मानता हूँ ये कंजर है जो खालिस्तानी है यार, मेरी बात सुनना, कंजर ही है, बहुत टेररिस्ट है, डिक्लेयर कर दिया, वो कहते वो लोग भी मेजर पूरा इंडिया डिक्लेयर कहता है वो टेररिस्ट है, बल्कि ये कहते हैं वो सिख की औलाद ही नहीं है, नहीं
उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। एक मजहब की बुनियाद ना सॉरी एक तहरीक की बुनियाद पर उनको इनके मजहब से निकाल दिया। ये देखिए पता नहीं कौन से इनको जब हम ये बात करते हैं वो कहते नहीं नहीं मुसलमान सारे सारे नहीं कहते मैक्सिमम मुसलमान टेररिस्ट हैं। और जैसे इनका जो यार है इंडिया का एक बहुत बड़ा जो है ना मुल्ला है मौलाना है साहब है उनका पता नहीं नाम सॉरी मुझे यार बड़ा मशहूर है पता नहीं कासिम का क्या उनका नाम है इस तरह का है। तो वो आपकी अदालत में बैठे हुए थे तो एक लड़की ने सवाल किया कि सर जो है ना ज्यादातर मतलब ज्यादातर नहीं सारे सारे उसने कहा था कि जो टेररिस्ट होते हैं मुस्लिम ही क्यों होते हैं। अच्छा, वो आगे सेंस नहीं रखा था और उन्होंने कहा था कि जो आपके जो महात्मा गांधी थे उनको मारने वाला था वो मुस्लिम था और इस तरह उन्होंने और दो तीन हवाले दिए। वो बात और इंदिरा वो तो एक लंबी बहस छिड़ जाएगी उस पर मैं नहीं देना चाहता। एक सवाल फिर मैं भी छोड़ता जा रहा हूँ। यू एन ओ के लिहाज से जिस तरह आप पाकिस्तान में कहते हैं कि यू एन ओ की डेजिग्नेटेड इतने टेररिस्ट है इतनी तंजीमें मेरे इल्म में नहीं है मैंने इस पर सर्च नहीं की मेरे जहन में अभी ये सवाल आया शायद वीडियो को एक मिनट हो हाँ मैं वही सवाल करना चाहता मैं ये पूछना चाहता हूँ खालिस्तानी कितने हैं मैं भी सर्च करूँगा वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ कितने ऐसे खालिस्तानी हैं या कितने खालिस्तान की या खालिस्तान की तहरीक को क्या यू एन ने डेजिग्नेट कर चुका है ये टेररिस्ट तंजीम। मैं यार मैं सवाल कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन से कर रहा हूँ अगर तो वो डेजिग्नेट करते हैं या कोई उनका फर्द को कहते हैं कि वो एक टेररिस्ट है फिर भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि वो भी एक टेररिस्ट है। अगर वो खालिस्तानी सिख की औलाद है नहीं है तो फिर उनको डूब के मर जाना चाहिए वो हराम की औलाद है आलोक शाह के मुताबिक मैं यह कहता रहूँगा। हो सकता है मेरी आवाज़ किसी खालिस्तानी तक पहुँच जाए हो सकता है लेकिन वो हराम के करार दे दिए गए हैं वो सिख के हैं ही नहीं ये भी बड़ा बहुत बड़ा गलत बात सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना आलोक और जो बेचर गए सारे सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो सिख ही नहीं तो मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन सवाल ये है क्या वाकई में यूएन ने उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा या निजर जो मारा गया जिसके लिए आवाज उठा रहा कनाडा क्या वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था सवाल बनता है नहीं बनता रहमत जब ये करते ना यूएन की बात पाकिस्तान में यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है तो फिर ये सवाल मैं भी सर्च इस पर करूंगा आप भी करके मुझे बताइए क्या निजर जो मारा गया था वो यूएन ने डिक्लेयर किया था कि वो टेररिस्ट था किसी ने डिक्लेयर नहीं किया यार मुझे नहीं लगा मैं अब क्यों झूठ बोलूं मुझे नहीं पता क्या मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ क्या वाकई वो टेररिस्ट था क्या खालिस्तान की तहरीक को यूके यूएसए या पूरी दुनिया आलम मानता है कि वो टेररिस्ट तंजीम है इसका जवाब ना ये करारा सवाल है। फिर इस तरह तो कंट्री वर्ल्ड का हर कंट्री उनकी मदद कर रहा है वो क्योंकि ये आप करारा सवाल यहाँ पर भी गए हैं ना वो अपनी तहरीक चला रहे हैं फिर इस तरह तो वो टीटीपी को और कई ऐसी तंजीमें जिनको मान चुका आपने बताया भी आप हमें सबूत देते हैं अब आपके सवाल जो आपसे सवाल निकला है क्या वाकई तहरीके जो खालिस्तान है वो यूएन की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तंजीम है क्या खालिस्तानी की कोई बंदा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट गिना बताया गया इस पर मुझे जरूर नीचे कमेंट में कहना इधर ही कट ऑफ करते इधर ही बंद करते अपनी वीडियो ज्यादा आगे नहीं चलते ये मजेदार होगी ये वीडियो मजेदार सवाल भी हो गया मिलते नई वीडियो में नाटक साहब तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह।